नेपाल फिर सियासी संकट की ओर, पीएम प्रचंड का कतर दौरा रद्द, सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी ने अलायंस छोड़ा। मनीष सिसोदिया को 5 दिनों की सीबीआई रिमांड, शराब नीति केस में होगी पूछताछ। सिसोदिया के वकीलों ने कहा था पॉलिसी अर्जी ने मंजूर की। नासा का स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन टला, लॉन्चिंग से 2 मिनट पहले रॉकेट के इंजन में खराबी आई, अब आज दोपहर 12:15 पर भरेगा उड़ान। मेघालय नागालैंड में वोटिंग खत्म, 5 बजे तक नागालैंड में 81.94%, मेघालय में 74.32% रही वोटिंग। पाकिस्तान में रहा कश्मीरी आतंकी ढेर, हमलावरों ने खालिद रजवा को गोली मारी, 7 दिन पहले हिजबुल कमांडर बशीर ऐसे ही मारे गए थे। पीएम किसान की 13वीं किश्त जारी, प्रधानमंत्री मोदी ने 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 16,000 करोड़ रुपए। वुहान की लैब से ही दुनिया में फैला कोरोना, नई रिपोर्ट में दावा, दुनिया भर में फैली यूएस बायोलॉजी लैब से मिली खुफिया जानकारी। रैगिंग से परेशान दलित मेडिकल स्टूडेंट ने किया सुसाइड, तेलंगाना में पीजी फर्स्ट ईयर की छात्रा को सीनियर कर रहा था परेशान। यूक्रेन को हथियार देने का फ्रांस में विरोध, सड़कों पर उतरे हजारों लोग, बोले इससे जंग बढ़ेगी, मदद करना है तो रूस को रोके। पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत शुक्रवार तक बढ़ी, असम यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय, पीएम पर विवादित टिप्पणी का मामला। अमेरिकी सांसद कृष्णमूर्ति की चेतावनी, बोले रूसी हथियारों में लगे चीनी उपकरणों से जानकारी लीक होने का खतरा। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के शूटर अरबाज को पुलिस ने किया ढेर, धूमनगंज के पिपल गांव में हुई मुठभेड़। इटली के समुद्री तट पर मिले 61 शव, ज्यादातर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिफ्यूजी थे, गैर कानूनी तौर से जा रहे थे यूरोप। अग्निपथ को अग्निगत स्कीम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा योजना राष्ट्रहित में, फैसले में दखल की वजह नहीं दिखती। पाकिस्तान में दिखा आतंकी सरगना सलाउद्दीन, फौजी कमांडो के साथ लश्कर कमांडर के जनाजे में शामिल हुआ। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों पर हमला, 100 से ज्यादा बांग्लादेशी ग्रामीणों ने धारदार हथियारों से मारा, बंदूकें भी छीनी, 2 जवान गंभीर। निकी हैली बोली पाकिस्तान आतंक का गढ़, चीन को यूएस के लिए खतरा बताया, कहा राष्ट्रपति बने तो दुश्मन देशों की फंडिंग बंद करूंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले यूपी की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी, ऐसी रोड आपने सपने में भी नहीं देखी होगी, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का किया शिलान्यास। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी हल लेकर पहुंचे, बोले हेलीकॉप्टर में गेती चलाकर चल सकते हैं तो हम किसानों की मांगों को हल क्यों नहीं कर सकते। नोएडा के सेक्टर 50 में आईजीएल की गैस पाइपलाइन में आग लगी, अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन में लगी भीषण आग, दमकल विभाग आग पर पाया काबू।